Are you okay? फिल्म सिंबल एक्सप्लेन करता है रॉन्ग टर्न सेक्स, और रॉन्ग टर्न के 5 पार्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाकर देख सकते हैं। तो इस मूवी में सबसे पहले एक कपल को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं, और थ्री फिंगर एक पेड़ के पीछे छुपकर इन लोगों को देख रहा होता है। तभी थ्री फिंगर सही मौका देखकर उस लड़के पर तीर से अटैक करता है, जिसके कारण वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है, और लड़के के गिरते ही लड़की उसे उठाने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो कि उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है, और इसे देखकर लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, और इसे देखकर वो जंगल की ओर भागने लगती है, और जंगल से भागने के लिए वो कोई शॉर्टकट रास्ता देखती है, और भागते भागते नुकीला तार भी है, और जिसके कारण अब वो तार से पूरी तरीके से लिपट चुकी थी, और वो तार वन आई और शोटूथ ने पकड़ा हुआ था। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को उस तार में लपेट देते हैं। तभी थ्री फिंगर अपने साथ एक हथियार लेकर आता है और उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है, और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डैनी और टोनी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जिन्हें की वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होते हुए एक होटल तक पहुंचना था। दरअसल डैनी को कुछ दिन पहले उस होटल के एक शख्स द्वारा लेटर भेजा गया था जिसमें लिखा था कि आप हमारे होटल के नए चेयरमैन बन गए हैं, और आप यहाँ पर आइए, हमें आपके यहाँ आने पर बहुत ज्यादा खुशी होगी। और डैनी ये शब्द देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, और इस सफर में बात करते करते वे उस होटल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को केयरटेकर्स द्वारा कुछ खास तरीके से स्वागत नहीं किया गया था, क्योंकि होटल के केयरटेकर समझ रहे थे कि डैनी अकेला इस होटल में आएगा, पर वो तो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आया था। लेकिन फिर भी वे लोग इनका वेलकम कहकर स्वागत करते हैं, जिससे कि डैनी और डैनी के दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि फोन पर बातें करके इस होटल से जाने का प्लान बना रही होती है। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उस बूढ़ी औरत के सीने में जाकर लगती है, जिससे कि उस बूढ़ी औरत की वही मौके पर मौत हो जाती है। तभी होटल में वहाँ पर केयरटेकर जैक्सन भी आ जाता है जो कि उस बूढ़ी औरत की गर्दन को पकड़ता है और उसे बुरी तरीके से मरोड़ देता है। और ऐसे ही जो भी इस होटल से भागने की कोशिश करता है वो इसी तरीके से दर्दनाक मौत से मारा जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ डैनी और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि होटल की अद्भुत चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वे चीजें बड़ी ही शानदार दिख रही होती है। और बाकी दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस होटल में कमाल की चीजें थी, इसलिए वे सभी लोग चिल करने लगते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, और रात को जैक्सन अकेला जंगल की ओर जा रहा होता है, और कुछ देर चलकर वह आगे उन तीनों भाइयों से मिलता है। वो उन तीनों को बहुत बुरी तरीके से डांट लगाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें बूढ़ी औरत को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि वे तीनों ब्रदर जैक्सन आपस में सिम्बलिंग्स होते हैं, और होटल में एक दूसरी केयर टेकर भी होती है जो कि इन लोगों की बहन होती है, मगर दिखने में वे काफी अलग होती है। तभी हमें डैनी की खास फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि होटल में कुछ चीजों को देखने के लिए जा रही होती है। तभी वो आगे देखती है कि जैक्सन वहां पर पोछा लगा रहा होता है, यानी कि उस बूढ़ी औरत का खून साफ कर रहा होता है। लेकिन वो इन चीजों को नजरअंदाज करके आगे अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तभी उन दोस्तों में से कुछ दोस्त शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट गए होते हैं, और वो लोग वहाँ पर गायब हुए लोगों का पोस्टर देखते हैं, जिसे देखकर वो चिंता में पड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर शेरिफ की गाड़ी आती है और पुलिस ऑफिसर नीचे उतरकर अपने हाथ से बूढ़ी औरत का पोस्टर लगा देती है, और ये वही बूढ़ी औरत होती है जिसको की रात ने म्यूटेंट्स ने मारा था। इसके बाद होटल के अंदर जैक्सन उन लोगों को हथियारों को दिखाने के लिए लेकर जाता है। तभी वे लोग वहाँ पर पहुंचकर बहुत अद्भुत हथियार देखते हैं जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे थे। तभी डैनी वहाँ से धनुष उठा लेता है क्योंकि वो हथियार उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तभी जैक्सन उन लोगों से कहता है कि चलो हमें जंगल की ओर शिकार करने के लिए जाना है, जिससे कि अब वो लोग उसकी बात मान जाते हैं और उसके साथ शिकार करने के लिए जंगल चले जाते हैं। और जाते समय उन्हें सामने एक हिरण नजर आता है। तभी जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन असल में वह इंसानों को मारने के लिए नई नई टेक्निक सिखा रहा था। और दूसरी ओर हमें जंगल के अंदर शेरिफ को दिखाया जाता है जो कि कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर आए होते हैं। और जैसे ही डैनी इस हिरण को मारता है, वैसे ही थ्री फिंगर अपने हथियार से शेरिफ को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी के बाकी दोस्तों को देखते हैं, क्योंकि डैनी इन लोगों को बताकर शिकार करने के लिए नहीं गया था, और बाकी लोग तालाब में नहाकर गर्म पानी का मजा ले रहे होते हैं। तभी डैनी की क्लोज फ्रेंड वहां पर आ जाती है और वहां एक दोस्त से डैनी को ढूंढने के लिए कहती है। तभी वो दोस्त डैनी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला जाता है, तो अपने सामने वो एक मरे हुए हिरण को देखता है जो कि
काफी खौफनाक मंजर होता है और वहां पर शोटूथ उस हिरण को पूरी तरीके से खा रहा होता है। और यह सब देखकर डैनी की फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता और वो ये सब देखकर भागने लगता है। तभी सामने वो नुकीले तारों के बीचों बीच लिपट जाता है। तभी दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और नीचे ढलान में जा गिरते हैं, जिससे कि वो दोनों काफी बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे और वो अपने आप को तार से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहां पर जैक्सन आ जाता है और उन्हें वहां से निकाल कर वापस होटल के अंदर लेकर जाता है। अब वहां पर होटल की सेकंड केयरटेकर आती है, जो कि एक लड़की होती है, यानी उन तीनों भाइयों की बहन होती है। और वो डैनी के कमरे में आती है और उसका खून साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर टोनी आ जाती है और उस लड़की को देखकर वो वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें डैनी का वॉशरूम को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी दवाइयों को फ्लश कर देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि डैनी हाइपरटेंशन का मरीज होता है और उसे अपने जीवन में मामूली यानी छोटी मोटी टेंशन हो जाती है और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन अब वो अपने आप को कुछ अच्छा फील करता है और पिछले दिन उसने एक हिरण को मारा था, जिससे कि वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है, यानी कि अब उसे कोई टेंशन नहीं थी। इस कारण से वो अपनी दवाइयों को वो फ्लश देता है और इसे लोगों की जान लेने में बड़ा मजा आ रहा था और वो सोचता है कि ये तो काफी दिलचस्प एक्सपीरियंस है और आज से पहले उसने कभी फेस नहीं किया और वो अपने आप को एक पावरफुल इंसान समझता है। अब सभी लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाने के वक्त डैनी अपने दोस्तों से बताता है कि मुझे इस होटल में काफी मजा आ रहा है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो इस होटल से जाना ही नहीं चाहता और यहां रहकर इस होटल की देखभाल करना चाहता है और कहता है कि मैं इसे शानदार होटल बनाऊंगा। लेकिन इस बात को सुनकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, जिससे कि वो सभी लोग घर जाना चाहते हैं। तभी उन दोस्तों में से दो पार्टनर कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लालची थे, यानी कि वो उस होटल का सामान देखकर लालच में आ चुके थे, क्योंकि वो यहाँ से इस सामान को चोरी कर वहाँ से बेचना चाहते थे और वो काफी अमीर बनना चाहते थे और वो नई नई चीजों को तलाश करने के लिए इधर उधर घूमते हैं। तभी वो जाकर एक सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं और वो रास्ता बेसमेंट की तरफ जाता था और यहाँ पर एक बहुत पुराना स्पा बना हुआ था, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लोग यहाँ पर मजे करने की सोचते हैं। तभी वहाँ पर सेकंड केयरटेकर यानी कि वो लड़की शैली आ जाती है और उन लोगों को कुछ करते वक्त देख लेती है। तभी वहाँ पर तीनों म्यूटेंट और उसका भाई भी आ जाता है और उस लड़के के सर पर मार कर उसे नीचे गिरा देता है। तभी वो तीनों को उस लड़की को पकड़ लेते हैं और चारों तरफ से उसे खींचकर उसके चार हिस्से कर देते हैं। तभी यहाँ पर मौजूद हुए तीनों भाई उस लड़के को भी पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन तभी सैली ये सब करने से उन्हें रोकती है और उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। तभी सैली उस लड़के को अपने रूम में बैठा लेती है और उसके मुंह पर तकिया डालकर उसे जान से मार डालती है। तभी दूसरी तरफ हमें डैनी को दिखाया जाता है, जो कि काफी बदल चुका था और अब वो दवाई लेना भी बिल्कुल छोड़ चुका था, जिससे कि वो हमेशा हंसते रहने लगा था, जबकि पहले वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जहां पर वो दोनों भाई बहन होटल के केयरटेकर से मिलता है और वो लोग उससे कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी फैमिली में मिलाना चाहते हैं, यानी इस होटल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और ये सुनकर डैनी मान जाता है। तभी रात को वो होटल केयरटेकर उस जंगल में एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट यानी कि वो पागल लोग मौजूद होते हैं, जिन्हें कि हम पहले पार्ट्स में सैनिटोरियम में देखा करते थे। तभी शैली अपने पास डैनी को बैठा लेती है और उसे वहाँ पर ड्रग्स पिला देती है और उन सब के बीच डैनी को सब कुछ समझाती है, यानी कि उसे वो सारी बातें डिटेल में समझाने लगती है। तभी जैक्सन बताता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोग एक ही खून के बने हुए हैं और यहाँ पर हमारे पूर्वज भी तुम्हारे जैसे दिखते थे, लेकिन इनके शरीर में कुछ बदलाव हुए जिसके कारण आज ये सब ऐसे दिखते हैं, लेकिन सैली और तुम एक जैसे दिखते हो, जिससे कि तुम हमारी आने वाली जनरेशन को ठीक कर सकते हो। और वो कहता है कि सैली में बहुत ज्यादा पावर है, यानी कि वो सैली और डैनी की शादी करवाना चाहते थे और बहुत सारे डिफॉर्म लोग चाहते थे, जिससे कि वो अपने जैसे और लोग बना सके और पूरी दुनिया पर राज कर सके। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी का दोस्त एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन लेता है। तभी उसे पीछे से जाकर शोटूथ पकड़ लेता है और उसे उनके सामने ले आता है। तभी डैनी उस समय बहुत ज्यादा नशे में था और डैनी का दोस्त यानी कि वो लड़का मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो उनके हाथों में उसे मरवाने के लिए कह देता है। तभी थ्री फिंगर उस लड़की को उल्टा लटका देता है और उसका गला बुरी तरीके से काट देता है, जिसके बाद सारे मोटेंट लोग अपना प्याला लेकर आते हैं और उसके खून से अपना प्याला भरने लगते हैं। अब वो सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर को पता चलता है कि अब ब्लड की कमी होने वाली है। तभी वो चाकू उठाकर उसके पेट और छाती को बुरी तरीके से फाड़ देते हैं, जिसके बाद बहुत सारा
सारा खून नीचे गिरता है और अपने प्याले भर के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी लोग जश्न मनाने की तैयारी में होते हैं और वो सब खून के प्याले को पी जाते हैं और वो ये सब डैनी को भी पिला देते हैं। अब अगली सुबह हमें डैनी और उसके सभी फ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पर डैनी की फ्रेंड टोली उससे कहती है कि चलो तुम्हारी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन यहाँ डैनी अभी भी हनशी की हालत में था और वो कहता है कि तुमको जैसा करना है तुम वैसा करो और जो यहाँ से जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन डैनी कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और यहीं पर रहूंगा। और डैनी के सभी दोस्त घर जाने से पहले किचन की छानबीन करने के लिए जाते हैं तभी वो सब देखते हैं कि एक इंसान को बुरी तरीके से इंसानी मांस खा रहा होता है और उसे गैस पर पकाकर खा रहा होता है और ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वहां से निकलने से पहले उनके सामने एक फ्रीजर रखा होता है और जहां पर उनकी नजर पड़ती है कि उनके दोस्त का सिर वहां पर काट कर रखा गया था जिससे कि वो एक भयानक मंजर होता है जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और ये लोग जब यहां से भाग रहे होते हैं तो इनके पीछे वही तीनों म्यूटेंट लोग पड़ जाते हैं तो कुछ दोस्त तो वहां से निकलकर बच जाते हैं लेकिन वहां पर एक दोस्त उसके सामने ही पकड़ा जाता है। तभी वे लोग उसके मुंह पर एक पाइप फिट कर देते हैं और उसके मुंह से उसके पेट में पानी भरा जाता है और पानी के प्रेशर से उसका पेट फट जाता है और उस आदमी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो कि थ्री फिंगर से पहले तो बचकर भाग गया था लेकिन भागते भागते वो आगे जाकर एक जाल में फंस चुका था और थ्री फिंगर वहां पर आ चुके थे और उसका पैर बुरी तरीके से जकड़ा जा चुका था जिसे देखकर वो वहां से भाग नहीं सकता था और वो वहीं पर गिर जाता है। और वहां पर तीनों भाई आ जाते हैं और उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे मार डालते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ टोनी को दिखाया जाता है जो कि डैनी को ढूंढने के लिए सामने रखी हुई एक गन उठाती है और वो वहां से अब नीचे जाने लगती है जहां पर वो बहुत पुराने स्पा को देखती है जहां पर उसे वो दूसरी होटल केयरटेकर नजर आती है यानी कि सैली नजर आती है और उन दोनों के बीच बुरी तरीके से फाइट हो रही होती है। तभी टोली गर्म पानी उठाकर उसके मुंह पर डाल देती है और उसकी गन उठाकर उसे शूट कर देती है जिसके कारण वो मर जाती है और इसी चक्कर में वहां पर डैनी भी आ जाता है। तभी उसके हाथों से वो गन छीन लेता है और अपनी दोस्त शैली को जाकर देखता है और उसे कितनी चोट लगी थी और ये सब देखकर वो अपने दोस्त टोली से यहाँ से भागने के लिए कहता है और जितनी जल्दी हो सके वो कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ और यहाँ से टोनी भाग रही होती है। तभी यहाँ पर पहला केयरटेकर यानी कि जैक्सन आता है और उसका पीछा करने लगता है जिससे कि आगे जाकर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है जिसके बाद टोनी एक चाबी लेकर उसकी आंखें को फोड़ देती है और जैक्सन भी वहां पर बुरी तरीके से मारा जाता है। इससे पहले कि टोनी अपनी जान बचाकर वहां से भागती डैनी वहां पर आ जाता है और अपने ही दोस्त टोनी पर गन तान देता है और वह नहीं चाहता था कि टोनी अब उसके साथ रहे क्योंकि वो उसके फैमिली के बारे में अब सब कुछ जान चुके थे। तभी अब थ्री फिंगर और बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं जहां पर डैनी अपने क्लोज फ्रेंड टोनी को मारने की कोशिश कर रहा होता है जिसके बाद वो अपनी नई फैमिली में शामिल हो चुका था यानी कि वो अब म्यूटेंट्स के साथ मिल चुका था। तभी हमें कुछ दिनों बाद का नजारा दिखाया जाता है जहां पर डैनी उस होटल को अच्छे तरीके से चला रहा होता है और इसी तरीके से वहां पर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं और उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है और इस होटल में नीचे इंसानों को बुरी तरीके से काटा जा रहा होता है और उन्हें उम्मीद भी नहीं होती कि नीचे उन्हें खाया जा रहा होता है। इसके बाद नीचे तीनों भाइयों को इंसानी मांस का कीमा बनाते हुए दिखाया जाता है और हमें यहीं पर मूवी का एंड दिखाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हम लेकर आते रहते हैं तो इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।